साल 2050 में मानवता ने शरीर को बदलने की अद्वितीय तकनीक विकसित कर ली थी, जिससे लोग सुपर ह्यूमन बन सकते थे। अर्जुन, एक साधारण इंजीनियर, इस तकनीक से दूर रहना चाहता था, लेकिन अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए उसे एक संस्थान के खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बनना पड़ा। संस्थान ने अर्जुन को एक पेशकश की, वे उसकी माँ को एक नई तकनीक से बचा सकते थे, बशर्ते वह अपने शरीर को बदलने के उनके प्रयोग में हिस्सा ले। अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए अपने शरीर को बचा लेने का निर्णय लिया। उसका शरीर शक्तिशाली मशीन में तब्दील हो गया। उसकी ताकत और क्षमताएं बेजोड़ थी। शारीरिक रूप से वह अब एक सुपर हीरो जैसा बन चुका था। वह हवा में उछल सकता था, भारी भरकम चीजें उठा सकता था और यहाँ तक कि गोलियों को भी चकमा दे सकता था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि इस शक्ति के साथ उसकी मानवता खो रही है। वो भावनात्मक रूप से सुनना, दूसरों से अलग महसूस करने। जब अर्जुन को पता चला कि कई और लोग इस संस्थान के शिकार हो चुके हैं, तो उसने अपनी मानवता वापस पाने का फैसला किया। संस्थान से लड़ते हुए वह अपने पुराने रूप में लौट आया। अंत में अर्जुन ने समझा कि असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानवता और भावनाओं में होती है।